जयपुर की मानसरोवर जो कॉलोनी है वहाँ पे जेडे की बड़ी कार्रवाई चल रही है। वहाँ पे बुलडोजर गिरा दिए हैं, 251 यानी 250 से ज़्यादा मकानों पर जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उसको तोड़ा जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा, मैं आग्रह करूँगा वो दिखाए किस प्रकार से यहाँ पे सुबह 10 बजे से कार्रवाई जारी है, लगातार जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। जेडे का पूरा अमला यहाँ पर मौजूद है, अमले के साथ साथ राजस्थान पुलिस के सैकड़ों जवान भी यहाँ पर भारी मात्रा में जब्ता तैनात किया गया है, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो कार्रवाई है वो जेडी द्वारा अंजाम दी जा रही है और सुबह 10 बजे से ही ये कार्रवाई जारी है, अनुजारी है। जेडीए की ओर से मानसून में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आज जेडीए की ओर से 250 से ज़्यादा मकानों और अवैध दुकानों पर बुलडोजर कर रहे हैं। यहाँ पे हालात ये हैं कि भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात है। वहीं पर जो DC है वो भी वहाँ पर मौजूद है, तमाम अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। ये देख सकते हैं इस तस्वीरों में आप कि किस प्रकार से यहाँ पर जो धूल का गुब्बार है उड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अवैध निर्माण थे। ये सड़क जो है 100 फीट चौड़ी होनी है। पूर्व में इनको जो अवैध निर्माण है इनको नोटिस दिया गया था, 17 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया था। बावजूद जब इन्होंने अपने मकान को या अवैध निर्माण को नहीं हटाया, उसके बाद में हरकत में आया प्रशासन और आनन फानन में ये जेडीए ने कार्रवाई की है। सर ये रहा कि सुबह 9 बजे से जब अतिक्रमण चल रही है, लोगों का मकान तोड़ रहे हैं, किसी के 6 इंची आ रही है, किसी के 4 इंची आ रही है, लोगों के 3-3, 4-4, 5-5 लाख का नुकसान हुआ है। हम आ गए, हम कोऑपरेट करेंगे, चाय पानी सब चीज़ में कोऑपरेट करिए, पूरी पब्लिक कहीं भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही है। और ये बिल्डिंग के जो सामने दिख रही है आपको बिल्डिंग, जो सेंट्रेशन स्कूल, इसकी कम से कम 10 फुट बिल्डिंग आ रही है, सेंट्रेशन स्कूल की 10 फुट बिल्डिंग आ रही है। और CI यहाँ से आते फोन आते और हमें तुरंत धमकी दे के भगा रहा है, कई लोगों को अरेस्ट उठा लिया, बंद कर लिया और हमें धमकी दे रहा है बंद करने की। हम कल सुबह मुख्यमंत्री के पास में पूछेंगे, दोबारा रोड के सर्वे करवाएंगे हम, ये अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं कर रहे। ये JDA अधिकारी पुलिस में वर्दी पहन के हमें धमकियाँ दे रहे हैं, हमें गाली गलौज कर रहे हैं, धमकियाँ दे के भगा रहे हैं हमें पुलिस में सब चीज़ों में। क्या नाम कोई अधिकारी का नाम है? अधिकारी JDA के अधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं। हम नाम नहीं बता सकते, हम कल सुबह लिखित में देंगे। उन्होंने ये कहा कि भग जाओ तुम, उठा के बंद कर देंगे तुम्हारी, उठा के हम यहाँ से गाली गलौज कर करेंगे। हम बदतमीजी से बोल रहे हैं, हमारे को, हम भारतीय जनता पार्टी का नागरिक था, इसमें तो नहीं गाली गलौज छोड़ रहे हैं। और क्षेत्र का MLA हमारे CM है यहाँ का, लोगों से अन्याय कर रहे हैं और हमें धमकी दे के भगा रहे हैं। कल सुबह हम CM के पास पूछेंगे लिस्ट लेकर के, और अधिकारी को नाम हम जानते हैं, हम लिस्ट बना के देंगे। ये अन्याय कर रहे हैं लोगों को, क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है दबाव से नहीं तोड़ा जा रहा, मैनेज हो चुके हैं और हमें क्यों भगा रहे हैं? सुबह से पुलिस अभी तक नहीं भगा रही, इस बिल्डिंग में आते क्यों भगा रही है पुलिस हमारे को, क्यों भगा रही है हमारे को, धमकी दे दे के भगा रही है हमारे को। हम सब हर चीज़ की व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, चाय की व्यवस्था कर रहे हैं, पब्लिक सिटी में लग रहे हैं, लोग बाग तोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि साहब हम खुद तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके तोड़ रहे हैं। और इस बिल्डिंग में कोई भी नहीं है, इसमें फोन आते ही और रोक में कर गया, दबाव बन गया इनका। ये आपके सामने देखिए बिल्डिंग कहाँ तोड़ी, सब जाकर सेंट्रेसा स्कूल नहीं तोड़ रही, दबाव पॉलिसी में लग गए इनमें। आप यही के रहने वाले? मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ के निवासी। मेरी 56 दुकान गई है, अकेले की 56 दुकान का मैंने खुद ने निर्माण हटाया है, लोगों के सामने दुकानें गई है। किसके पास? लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, इस रोड पर लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, वो लोग ऑब्जेक्शन नहीं उठाए और ये पैसे वाले करके इनके ऑब्जेक्शन लगा के दबाव दे रहे हैं। अब पुलिस को बनाकर ले लेके हमें भगा रहे हैं, 400 पुलिस वाले हमें धमकी देके भगा रहे हैं। हम पब्लिक क्या करेंगे, हम कोऑपरेट उठा रहे हैं। अगर ये अन्याय हुआ तो हम कल सुबह CM के पास पूछेंगे, हम कल 5 धरने देंगे CM के पास पूछेंगे, हम और अधिकारियों को नाम लेके पूछेंगे। अपने अधिकारियों को कहा नहीं, कोई कारण पूछा होगा रोकने का? अधिकारियों ने कहा कि यहाँ से रवाना हो जाइए नहीं तुम्हें बंद कर देंगे, उठा कारण नहीं बताया, कारण कुछ नहीं बताया हमारे को, तोड़ा क्योंकि हम अधिकारियों के पास हमारे सामने फोन आए हैं और फोन आते एक बोला तुम क्यों कर रहे हो, ठीक है देख लेंगे, आगे ले लो आगे ले लो, ये क्यों तरीका हो गया, हमने जो ऑप्शन उठाया तुम्हें बंद करने की धमकी दे रहे हैं। हमारे खिलाफ कई बार पहले में मुकदमा लगा चुके हैं पुलिस वाले। देखिए यहाँ पे जो स्कूल है, यहाँ पे इस कॉलोनी में सेंट टेरेसा स्कूल का नाम है, वो वहाँ पे कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन अब ग्रामीण जो है यहाँ पे जो रहवासी है उनका साफ साफ कहना है कि विरोध किया जा रहा है कि मिली भगत से यहाँ पे जो 10 फीट जगह इसकी आ रही थी स्कूल की वो नहीं तोड़ी जा रही। अधिकारी जो है इनको लगातार भद्रता करते हुए धमकियाँ देकर यहाँ से मुकदमों का लगाने का या मुकदमों बंद करने की बात कहकर इनको यहाँ से भगाया जा रहा है। ये तस्वीरें लाइव देख सकते हैं आप, ये वो स्कूल है जहाँ पे पूरा चौड़ा स्कूल है, जहाँ पे 10 फीट जो जगह है इसकी वो अतिक्रमण की जद में आ रही थी, बावजूद इसके नहीं तोड़ा जा रहा इसको। देखिए मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे स्कूल को तोड़ने को लेकर विरोध हो रहा है। भाई साहब हम तो यहाँ रहते नहीं हैं, हम तो उधर रहते हैं। ठीक है, आप क्या रहेंगे, आप यहाँ के लोकल हैं जी? स्कूल को तोड़ने को लेकर कहीं विरोध किया जा रहा है कि स्कूल को नहीं तोड़ा गया? हाँ तो भाई जो कायदा है तो कायदे से होना चाहिए, जो जितनी जगह है उतनी टूटनी चाहिए, नहीं तो छोड़ दो फिर सब जगह छोड़ दो। CM के हाउस में धरना देने की बात भी कही है?
जाओगी पब्लिक जाओगी वो तो भाई, एक का नुकसान हो रहा है, एक का नहीं हो रहा है, तो फिर उसमें क्या है, तो जाएगी पब्लिक तो सर। या फिर ये एक नज़र से देखो, चाहे बड़ो चाहे छोटो, अक्सर निर्माण को हटाओ। तो यहाँ के जो लोकल रहवासी या निवासी हैं, उनका भी विरोध यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिला है। स्कूल को लेकर कहीं ना कहीं में जो आक्रोश है वो व्याप्त है, और कल सुबह धरना देने की उन्होंने बात कही। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब आने वाला समय में जो जड़ी की कार्रवाई जो हुई है उस पर कितना एक्शन सरकार लेती है, क्या ये कार्रवाई जायज़ है, या फिर जो विरोध ग्रामीणों का है वो कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक जाएगा। अब देखने वाला बात ये भी है, यहाँ पर ये भी होगी कि जो तमाम जो अतिक्रमण तोड़ा गया है वो अतिक्रमण कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ संदीप अग्रवाल, नगरी मीडिया जयपुर।